ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल लिख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इजिली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मॉडल है गाइस, पहले हम इसका बैकग्राउंड को इरेज करेंगे एंड इसको इरेज करने के लिए ले जाएंगे गाइस, जैसे हम इसको ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस, यहाँ से हम लेयर को जो है ऊपर कर लेंगे अपनी एंड उसको जाएंगे इरेजर में। एंड गाइस, इरेजर की जो सेटिंग रखनी है वो आपको क्या रखनी है, आपको जिसकी हार्डनेस होगी गाइस, जिसको रखना आपको 95 तक, एंड जो साइज होगा उसको आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड उसके बाद आप सभी सिंपली फोटो को जूम करना है एंड जहाँ से इरेज करना स्टार्ट करना आपको वहाँ से कर लेना फटाफट से। तो गाइस, इसके बाद आप सभी को देखोगे इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। एंड गाइस, बैकग्राउंड को देख के बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि यार आपका भाई मतलब कि एकदम सब कुछ बताएगा आपको कि आपको अपने मॉडल को ऐड कैसे करना है यहाँ पे एंड सब कुछ मतलब कि जो भी है, ठीक है। एंड आप चलते हैं यहाँ पे फोटो को अपने ऐड करते हैं मॉडल को। एंड उसके बाद गाइस, जब जैसे हम मॉडल यहाँ पे ऐड करेंगे ना, उसके बाद जो बैकग्राउंड है हमारा सब कुछ मैच हो जाएगा। एंड यहाँ पे हैंड वगैरह जो भी है हीरोइन का वो कैसे लगाना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, आपको जब हम यहाँ पे मॉडल के लेंगे तो गाइस कुछ साइज जो होगा हमारा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। जो अक्षय कुमार है गाइस, उसी के हिसाब से आपको अपने हाइट को रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए गाइस, इसमें जो हैंड है ना गाइस, वो ये हिम्मत भाई ने पहले से ही रख रखा था, ठीक है। बट गाइस, मैंने यहाँ पे आपसे देख लिया हैंड भी एकदम बिल्कुल मैंने PNG बना रखा है। आप चाहो तो उस PNG को सिंपली ऐड कर सकते हो। देखिए जैसे गाइस, अभी मैं आपको यहाँ पे ऐड फोटो में जाके उस PNG को पहले ले लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, ये PNG मैंने गाइस आप सभी के लिए बना रखा है, ठीक है। तो आप मतलब कि आप जब आप फोटो क्लिक करवाओगे तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है किसी दूसरे बंदे को लेकर साथ में फोटो क्लिक कराने की, आप सीधा अकेले फोटो क्लिक कराना एंड इस PNG को यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। कुछ इस टाइप से जैसे कि मैंने यहाँ पे भी ऐड किया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सबको सिंपली करना है कि आपको यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड भी सही मैच हो गया एंड यहाँ पे PNG भी लग चुका है एंड सब कुछ रियलिस्टिक सा हो चुका है, ठीक है। बट अभी इसमें हमारे कुछ सेटिंग्स और रहते हैं जो कि अभी हमें करना है। तो गाइस, इसमें बात आती है कि अभी यहाँ से चलते हैं रजिस्ट पे, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइस हमें सेचुरेशन में जाना है, क्योंकि यार जो हमारे तीनों मॉडल है ना, इन तीनों का सेचुरेशन हमें मैच करना है, यानी कि तीनों हमारे एक जैसे लगने चाहिए, तो इसलिए हम सेचुरेशन को -10 तक रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम डन। अब गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐसे गाइस दोबारा ऐड फोटो में, ठीक है। तो एक PNG होगा और गाइस इस PNG को लगाने के बाद ये होगा कि गाइस ये जो तीनों मॉडल होंगे ना, कि ऐसा लगेगा कि दोनों तीनों मॉडल जो है एक साथ पहले से यहाँ पे परमानेंटली फोटो क्लिक करवा रखे हैं, ठीक है। देखिए गाइस, विगनेट लगाया तो तीनों के आगे प्रॉपर विगनेट है, ठीक है। किसी के आगे ज़्यादा है ना कम, किसी के आगे नहीं है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो गाइस ये PNG इसलिए यूज़ किया मैंने यहाँ पे और आप सभी को भी यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करना, अब आप सभी को इस फोटो को यहाँ पे कर लेना सेव एंड इसको लेकर चलना है ऐसे लाइटरूम ऐप में, क्योंकि कलर रिटचिंग के बाद तो बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक सी फोटो हो जाएगी हमारी। फिर इसका जाना आपको स्लाइड वाला ऑप्शन में, इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा उसको बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट होगा इसको जो है थोड़ा कम कर देना है एंड जो शेडो होगा इसको थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो व्हाइट होगा इसको थोड़ा कम कर देना है एंड जो ये ब्लैक होगा इसको थोड़ा सा इसको भी इसको बढ़ा देना है, ठीक है। फिर जाना कलर्स में एंड जो वाइब्रेशन होगा इसको बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर होगा उसका हल्का सा माइनस कर देना है एंड उसका चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है एंड इसका सेचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसका जिसका ह्यू भी बढ़ा देना है एंड ल्यूमिनस भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आप सभी को, आपको सभी जाना येलो कलर में, इसका ह्यू थोड़ा माइनस कर देना है, सेचुरेशन प्लस कर देना है। फिर उसके चले जाना है डार्क ब्लू में, इसका ह्यू थोड़ा माइनस कर देना है एंड जो सेचुरेशन होगा उसको थोड़ा सा प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पर्पल कलर में चलेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई पर्पल कलर होगा तो वो हट जाएगा, इसको सेचुरेशन माइनस कर देना। फिर उसके बाद कर देना डन एंड उसके बाद आपको चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी इसको बढ़ा देना आप सभी को एंड जो फोटो में विगनेट है वो हल्का सा डाल देना है। फिर उसका नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड चले जाना इसके नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी का जिसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस नोड रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।